हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज ये वीडियो में हम जानेंगे वीडियो मार्केटिंग के बारे में। वीडियो मार्केटिंग क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किन किन लोगों को वीडियो मार्केटिंग ज़रूरी है और वीडियो मार्केटिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं आशीष कुमार, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर और डिजिटल मार्केटर। आज ये वीडियो में जानेंगे वीडियो मार्केटिंग के बारे में। तो ये भी एक एडवर्टाइजमेंट ही है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए करते हैं। जैसे कि दूसरे तरीके हैं, कहीं पे पोस्टर लगा के, कहीं पे होर्डिंग्स लगा के, और आजकल तो ईमेल के जरिए भी होता है। तो वैसे ही वीडियो मार्केटिंग भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि वीडियो के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बहुत सारे कंपनीज की, वो एक वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। देखिए, आज के डेट में हर कोई कंपनी के लिए वीडियो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बड़ा कंपनी हो, बड़े स्केल का बिजनेस कर रहे हो, या फिर छोटा एंट्री लेवल कंपनी हो, हर एक कंपनी के लिए, हर एक बिजनेस के लिए वीडियो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि और भी बहुत सारे जरिया हैं जिससे एक प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जा सकता है, लेकिन वीडियो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो वीडियो मार्केटिंग के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है लिसन एंड वॉच एट अ टाइम। देखिए, जब आप एक पोस्टर को देखते हो या कोई ब्लॉग पढ़ते हो तो आप वही टाइम पे सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन वीडियोस में आप एट अ टाइम वो कंपनी का जो मैसेज है वो दिखा भी सकते हो और जो इफेक्टिव पॉइंट्स है उसको बता भी सकते हो। तो बहुत कम टाइम में बहुत इफेक्टिव एक मैसेज पहुँच जाएगा आपके टारगेट ऑडियंस के पास। दूसरा है शॉर्ट एंड इफेक्टिव वे। आपके वीडियो में एक या दो मिनट के अंदर वो सारा चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हो, वो सारा चीज़ एक यूज़र को बता सकते हो इजीली, जो कि ईमेल्स में या फिर एक पोस्टर में बताना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें आपके जो कस्टमर है, आपके जो व्यूअर्स है, इसमें आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव्स एसईओ और रैंकिंग। अगर आप कोई वीडियो बनाते हो और उसको आपके वेबसाइट पर डालते हो तो ये आपके वेबसाइट को रैंकिंग के लिए बहुत हेल्प करता है इन कंपैरिजन टू ब्लॉगिंग या पोस्टर्स, क्योंकि एक ब्लॉग से ज़्यादा एक वीडियो से वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक आते हैं और इसमें आपका एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि ब्लॉग के कंपैरिजन से वीडियो में से ज़्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट में आएंगे। पॉइंट नंबर फोर ये है कि वीडियो ईजिली सर्चेबल है। अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हो और YouTube में उसको अपलोड करते हो तो वो ईजिली रैंक कर जाएगा, बहुत सारे लोग उसको देखना पसंद करेंगे, और इसके चलते भी आप ईजिली आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अब बात करते हैं वीडियो मार्केटिंग किन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे हिसाब से आज के रेट में आप चाहे किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, वो चाहे बड़ा लेवल पे हो या छोटे स्केल पे हो, या आप इंडिविजुअल कोई आर्टिस्ट हो या परफॉर्मर हो, या आपका कोई भी नया स्टार्टअप है, हर किसी काम के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल लोग फोटोज से ज़्यादा वीडियो को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये बात आप सबको पता होगा कि YouTube दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। तो ऐसे में मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे कोई भी लेवल पे काम कर रहे हो, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई मैटर नहीं करता, आप आज से ही आपका वीडियो मार्केटिंग चालू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं वीडियो मार्केटिंग कैसे किया जाए, हाउ टू डू वीडियो मार्केटिंग। देखिए, ये जो चीज़ है इसको एक वीडियो में एक दो लाइन में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बिजनेस के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। क्योंकि ये जो वीडियो मार्केटिंग है इसका बहुत सारे तरीके हैं, हर कंपनी के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए, हर कोई चीज़ के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी इसका होता है, जो कि हमको अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए। ऐसा नहीं कि आप बस वीडियो बनाओ और सारे प्लेटफॉर्म से एक ही टाइम अपलोड कर दो, वो चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसा नहीं होता। आप इंस्टाग्राम के लिए आपका स्ट्रेटजी अलग होता है, फेसबुक के लिए स्ट्रेटजी अलग होता है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जितने सारे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें अलग अलग तरह के ऑडियंस होते हैं। ये बात एक बिजनेसमैन या फिर एक कंपनी को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बस वीडियो बना के फेसबुक के पेज में अपलोड कर दो तो वीडियो मार्केटिंग हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे बहुत सारे स्ट्रेटजी है और बहुत सारे तरीके हैं एक वीडियो को अपलोड करने के लिए, ताकि आपका जो वीडियो राइट ऑडियंस तक पहुँचे, सही ऑडियंस तक पहुँचे।
फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपकी कंपनी कंघी बनाता है और आप कंघी के ऊपर एक वीडियो बनाते हो और वो वीडियो वैसे इंसान को दिखता है जिनके बाल नहीं है, तो आपके वीडियो किसी काम का नहीं है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो इंसान कभी आपके प्रोडक्ट कभी भी नहीं खरीदेगा। तो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके वीडियो टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुँचे। तो ये था कुछ कुछ की पॉइंट्स वीडियो मार्केटिंग के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो मार्केटिंग के बारे में और जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर डिटेल में बात करने को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप एक बिजनेसमैन हो या एंटरप्रेन्योर हो या फिर आपका बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो और आप आपके बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा हेल्प करेंगे आपकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्ट्रेटेजिकली, उसको कंटेंट क्रिएशन से लेके वीडियो प्रोडक्शन से लेके ऑडियो प्रोडक्शन से लेके फोटो प्रोडक्शन, पोस्टर्स, वो सारा। उसके बाद उसको डिजिटली कैसे आपको कंटेंट डालना है, वो सारे स्टेप बाय स्टेप हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ हूँ। तो बस ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस।